हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजी गेमर पीयूष। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम ग्रीना फ्री फायर के कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में ना आपने कहीं सुना होगा और ना ही कभी जाना होगा। अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे मिल जाएगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन। चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन इज, क्या आपको पता है कि फ्री फायर का फर्स्ट सर्वर कौन सी कंट्री में आया था या कौन से रीजन में आया था? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ग्रीना फ्री फायर सबसे पहले सिंगापुर में लॉन्च हुआ था। सिंगापुर में ये बहुत ही फेमस गेम साबित हुई, जिससे धीरे धीरे ये गेम डेवलप की गई और ना केवल आज के टाइम पे सिर्फ सिंगापुर में खेली जाती है बल्कि एशिया कॉन्टिनेंट के बहुत सारी कंट्रीज में फ्री फायर बहुत पॉपुलर है। सो फैक्ट नंबर टू इज दैट, कि क्या आपको पता है कि ग्रीना फ्री फायर के स्टोर में मिलने वाले सभी आइटम्स अप्रोक्स कितने डायमंड में परचेज किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्टोर से मिलने वाले सभी आइटम्स आपको मैक्सिमम 2,50,000 डायमंड में परचेज किए जा सकते हैं। हाँ, ये डायमंड शायद ज्यादा भी लग सकते हैं और कम भी लग सकते हैं, क्योंकि अपडेटेड वर्जन के कारण इनके डायमंड रेटिंग में थोड़ी सी कमी या बढ़ोतरी हो जाती है, पर अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 डायमंड से स्टोर की हर एक आइटम को परचेज किया जा सकता है। तो फैक्ट नंबर टू थर्ड इज, क्या आपको पता है कि ग्लू वॉल को कितना डैमेज देने से ग्लू वॉल टूटती है, मतलब कि ग्लू वॉल की एचपी कितनी होती है? अगर हमारे पास AR, SMG, HG या SG-MO वाली गन है तो हमें ग्लू वॉल को मैक्सिमम 700 का डैमेज डील करना पड़ता है। अगर हम 700 का डैमेज डील करेंगे ग्लू वॉल के साथ तो ग्लू वॉल टूटेगी। अगर हमारे पास स्नाइपर गन है तो स्नाइपर गन का सिर्फ हमें 500 का डैमेज देना पड़ता है ग्लू वॉल को, तो ग्लू वॉल टूट जाती है। मतलब कि अदर एमओ वाली गन लाइक SMG, AR, HG, SG ये मैक्सिमम 700 डैमेज के बाद ग्लू वॉल तोड़ती है और स्नाइपर गन 500 डैमेज के बाद ग्लू वॉल को तोड़ देती है। सो फैक्ट नंबर फोर इज, क्या आपको पता है कि ग्रीना फ्री फायर के अंदर फर्स्ट स्किल्ड पेट कौन सा था? सो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट स्किल्ड पेट था नाइट पैंथर। नाइट पैंथर एक ऐसा पेट है ग्रीना फ्री फायर में जो ग्रीना फ्री फायर में सबसे पहले स्किल्ड वाला पेट लॉन्च हुआ था। सबसे पहले तो ग्रीना फ्री फायर के अंदर किटी और मैकेनिकल पप पेट लॉन्च हुए थे, पर उनमें ग्रीना फ्री फायर वालों ने कोई भी स्किल या एबिलिटी नहीं डाली थी। पर धीरे धीरे ग्रीना फ्री फायर के सर्वर में डेवलपमेंट होती गई और उन्होंने एक पेट ऐसा लॉन्च किया नाइट पैंथर, जिसमें स्किल डाली गई मोर बैग स्पेस की। नाइट पैंथर की हेल्प से आप बैग की स्पेस को बढ़ा सकते हैं। सो फैक्ट नंबर फाइव इज दैट, कि आपको पता है कि फर्स्ट गन स्किन विद एट्रीब्यूट्स कौन सी आई थी? तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट गन स्किन विद एट्रीब्यूट्स आई थी 4 गन स्किन्स, फर्स्ट SKS, सेकंड स्पास, थर्ड AK और लास्ट वन इज MP5। ये चारों गन स्किन्स इकट्ठा आई थी और पहली बार आई थी विद एट्रीब्यूट्स, जिसका डैमेज माइनस था और डैमेज प्लस था और रेंज माइनस था। सो आज आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे फिट।